हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद रंजीव मोंगा, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल जलालाबाद पश्चिमी दे एसएस मास्टर रंजीव मोंगा वालों आप सब का अज दे सेशन दे विच स्वागत है। तो बच्चे जिवें मैं दस्या सी कि अज दी क्लास जिहड़ी है लाइव नहीं है, ए रिकॉर्डेड लैक्चर है जो कि तुसी सुनन जा रहे हो। बच्चे इहदे विच अपनी इंटरैक्शन आपस दे विच नहीं होएगी, लेकिन बच्चे तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बेटे जो मैं रिव्यू कर रहा ना, मैं कल अपने सारे पिछले सारे लैक्चर देखे, जो मैं रिव्यू कर रहा सी ता उदे विच एक गल सामने आई कि अपनी वॉइस दा ना एक टॉपिक रह गया सी। किसे बच्चे ने शायद नेहा लड़की है लुधियाना तो, शायद उन्हें एक क्वेरी भी मैनू पाई, मैनू एक पोस्ट किया, आपका डाउट पोस्ट किया, ओनू तो मैं दस दिता कि बच्चे एदा वॉइस जिहड़ा है एदा बनना है, पर मेरे दिमाग दे विच गल एक स्ट्राइक कीती कि मैं तुहाडे नाल तां ओह वाली डिस्कशन कीती नहीं। बेटे ओह वाला टॉपिक अपना रह गया सी, लेकिन ओह टॉपिक आपां रहण नहीं देना। बच्चे सिर्फ एक टॉपिक करवाउण वास्ते मैं अज आया। अज दा लैक्चर बड़े ध्यान नाल बच्चे तुसीं सुनना है, 10-12 मिनट दा लैक्चर लावांगे ते मैं कोशिश करांगा कि तुहाडे जिहड़े डाउट है ना उस जिहड़ा टॉपिक ओहदे संबंधी ओह मैं सारे क्लीयर कर दिया। बेटे अज उवें लाइव होके तुसी मैनू कर करके नहीं दिखाओगे, मैं नाम नहीं अनाउंस कर सकांगा, लेकिन फिर भी बेटे मैं कोशिश करांगा कि मैं तुहाडियां रिक्वायरमेंट्स जिहड़ियां हैगियां, तुहाडियां क्वेरीज हैगियां, उन्हां दा उन्हां नूं मैं सैटिस्फाई करवा सकां। तां बेटे अज दे जिहड़ा वॉइस दा जिहड़ा टॉपिक रहिंदा सी ना बेटे, ओह नोट कर लो कि ओह किहड़ा टॉपिक रहिंदा सी बेटे, ओह इट इज टाइम वाले वॉइस जिहड़े रहि गए सी। इट इज टाइम, इह समां है, इट इज टाइम जिहड़ा है ओह इह टाइप ही तुसी लिख लो बेटे, कॉपियां ते नोट कर लो कि ओहदी टाइप ही है कि इट इज टाइम वाले वॉइस, इट इज टाइम वाले टाइप, ठीक है ना। हुण इह जिहड़े वॉइस है बेटे स्टार्ट किदां होणगे, बड़े ध्यान नाल सुनिया जे, इह वॉइस स्टार्ट किदां होणगे बेटे, इट इज टाइम तो स्टार्ट होएगा, इट इज टाइम टू वी वन ऑब्जेक्ट। लो जी आ बेटे इहदा स्ट्रक्चर होएगा, इट इज टाइम आएगा, टू आएगा, वी वन आएगा, ते ऑब्जेक्ट आएगा। बेटे बड़े ध्यान नाल कापियां ते नोट्स बनांदे रहो। मैं अज तुहानूं कल वाली असाइनमेंट भी बेटे अजे सेंड नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा शेड्यूल जिहड़ा सी ओह बिजी सी, उहदे करके मैं बना नहीं पाया। उहदे नाल नाल मैं एक असाइनमेंट 5 सेंटेंसिज आ भी लिख के भेजांगा बेटे, 10 सेंटेंस मैं कल वाले लिख के भेजांगा नरेशन वाले, 5 सेंटेंसिज मैं वॉइस वाले लिख के भेजांगा जिहड़े कि तुसीं मैनूं सॉल्व करके दिखाओगे। बेटे फिर दोबारा देख लो, नोट कर लो कि इट इज टाइम टू वी वन ते ऑब्जेक्ट आंदा है। जदों असीं इहदा बेटे वाक बनाउण लगी दे ना, जदों इह एक्टिव हुंदा बेटे, इह तां मैं बेटे तुहानूं हमेशा ही दस्सिया है कि जदों असीं वॉइस बनाउणे आ ते जिहड़ा सानूं क्वेश्चन आंदा है ओह एक्टिव वॉइस हुंदा है, ते असीं उहदा पैसिव वॉइस जिहड़ा है ओह बनाउणा हुंदा है। असीं की करना बेटे आह तीन चीजां, इट इज टाइम, इह असीं एज इट इज थले ला लैणा। देखिया जी, इट इज टाइम, देखिया जी इट इज टाइम आ थले उवें उतार लिया बेटे, बड़े ध्यान नाल नोट करी चलो, इट इज टाइम दा, इट इज टाइम, कोई आपां इस दा आवाज नहीं बनाया, कोई नॉट नहीं लग्या, कोई चेंज नहीं कीती, इट इज टाइम, थले भी इट इज टाइम, ठीक है। उस तो बाद बेटे जिथे टू है ना उसकी थां ते आपां लिखना फॉर, फॉर, देखो बेटे इट इज टाइम फॉर, उस तो बाद बेटे आह वाला जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ना ओह असीं फॉर तो चक के इथे ला लैणा है, इथे इथे आ देखो, इट इज टाइम टू की थां ते फॉर लग गया, आ ऑब्जेक्ट फॉर दे नाल लग गया, आ जिहड़ा टू है ना बेटे इह ऑब्जेक्ट तो इथे ला लैणा, इथे टू ते बी आपदे कोलों बेटे असीं ला लैणा, ठीक है। आ जिहड़ी वी वन है इहदी वी थ्री बन जाएगी। बेटे लगता एवें कि जिवें कॉम्प्लीकेटड हैगा सेंटेंस, कॉम्प्लीकेटड नहीं है, बड़े ध्यान नाल देखा जी, सेंटेंस आएगा इट इज टाइम, फिर आएगा टू, फिर वी वन ते ऑब्जेक्ट होएगा। जदों असीं बनाउणा है इट इज टाइम दा, इट इज टाइम लाता, ठीक है, जिथे टू लग्या होया ना उहदी थां ते बेटे फॉर लाना, फॉर आ वाला ऑब्जेक्ट चक के अगे, तां आ टू, टू दे नाल बी ला के ऑब्जेक्ट तो बाद लाना, टू बी आ वी थ्री, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल करते हैं, बड़े ध्यान नाल समझ आएगी बेटे। देखा जी, इट इज टाइम टू टेक टी, देखा जी चाह पीण दा समा है, इट इज टाइम टू टेक टी। सब तो पहला तो देखो बेटे स्ट्रक्चर वाला आया हुआ है, देखो इट इज टाइम आया हुआ है, टू आया हुआ है, वी वन आई हुई है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है टी, ठीक है। असी की करांगे, असी बनाने लगे बेटे की करांगे, इट इज टाइम ओवे ला देंगे, इट इज टाइम, ओके। उस तो बाद बेटे की करांगे फॉर,
फॉर आपके को लाता इट इज टाइम फॉर फिर की है बेटे ऑब्जेक्ट चक के अगे लिखना है ऑब्जेक्ट की है बेटे टी टी ओके फिर बेटे टू बी लाना ना टू बी इतने कहना टू बी फिर वी थ्री टेक दी वी थ्री की बनेगी बेटे टेकन ओके इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन समझ लग गई है एक बार मैं रिपीट करता हूं उसके बाद एक सेंटेंस फिर करेंगे फिर अपन नेगेटिव वाल चलेंगे बस दो ही होंगे बेटे इंटरोगेटिव नहीं होंगे इट इज टाइम आएगा टू आएगा वी वन आएगा ऑब्जेक्ट आएगा असि इट इज टाइम का इट इज टाइम थले ला लेंगे असि टू की थां ते फोर लिख देंगे ऑब्जेक्ट चक के अगे लिखेंगे आ टू भी इधर आ जाएगा ते वी थ्री आ जाएगा समझ लगी जिवें एक एग्जाम्पल है इट इज टाइम टू टेक टी असि की करेंगे इट इज टाइम का इट इज टाइम थले उतार लिया बेटे फॉर ऑब्जेक्ट बेटे टी है आ टू भी अगे आ गया ते वी थ्री आ गया टेकन एक एग्जाम्पल बेटे मैं होर करवाना तुहानू एक एग्जाम्पल होर करवाना उस तो बाद आपां नैगेटिव करांगे तां जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया कि बेटे अज वाला जिहड़ा है अज वाला लैक्चर आप 10-12 मिनट 15 मिनट तक ही लगावांगे उहदा रीजन है कि अज बेटे लाइव क्लास नहीं है इट इज नॉट अ लाइव क्लास तुसीं अज वाले लैक्चर नूं तुसीं इंग्लिश एक्सप्रेस ई एन जी एल आई एस एच ई एक्स पी आर ई डबल एस इंग्लिश एक्सप्रेस बाय रंजीव मोंगा आ वाले चैनल ते बेटे तुसीं जिहड़ा है लैक्चर तुसीं देखना है इंग्लिश एक्सप्रेस नूं खोलना है इंग्लिश एक्सप्रेस काफी होणगे बेटे रंजीव मोंगा मेरा नाम वाइट शर्ट वाली बेटे फोटो पिक पाई हुई है उहदे ते उहनूं तुसीं एक तां सबसक्राइब भी कर लेना ते लैक्चर भी देखना है लैक्चर बड़े ध्यान नाल सुनना है तुहानूं 5 क्वेश्चन बेटे असाइनमेंट मैं जिहड़ा है तुहानूं भेजांगा तुहाडे ग्रुप्स दे विच उह तुसीं मैनूं सॉल्व करके दिखाणे है ठीक है ना ओके चलो बेटे देखिया जी हुण की है आपां हुण तक आपां की कीता हुण तक आपां कीता सी कि इट इज टाइम इट इज टाइम टू वी वन एंड ऑब्जेक्ट आ चीजा बेटे आनगियां ठीक है असी की करना है जो इनका पैसिव वाक बनाना है असी की करना है इट इज टाइम उम्मीद उम्मीद ला लेना बेटे फोर आपके को ला देना है आ टू जिहड़ा है टू बी बन जाएगा टू बी ठीक है ना फिर बेटे आ जिहड़ी है सॉरी आ देखो ना टू बी ऑब्जेक्ट तो बाद आ देखो इट इज टाइम उम्मीद ला लिया फॉर आ वाला ऑब्जेक्ट बेटे चक के अगे लिखना है इथे टू बी फिर बेटे बी थ्री ओके एवं करके बेटे सेंटेंस बनेगा ऑब्जेक्ट का चक के अगे लिखना स्किप कर गया सॉरी देखो मैं एक एग्जाम्पल कराई सी इट इज टाइम टू टेक टी हुण दूसरी एग्जाम्पल लेने बेटे देखा जी दूसरी एग्जाम्पल लेने इट इज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग आ देखो इट इज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग सब तो पहला देखो बेटे इट इज टाइम आया हुआ है टू आया हुआ है वी वन सिंग आई हुई है ऑब्जेक्ट आया हुआ है ए सॉन्ग असि बना लगे की करेंगे बेटे बना लगे असि करेंगे इट इज टाइम ओके इट इज टाइम फॉर फॉर तो बाद बेटे वाला ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग फॉर ए सॉन्ग ठीक है टू बी आ वाली जेडी सिंग है बेटे सिंग सैंग संग हुंदा है इट इज टाइम फॉर अ सॉन्ग टू बी संग हुण दसो सारे बच्चों नूं समझ लग गई है ना बेटे कापियां बनाई चलो अज दा लाइव लैक्चर नहीं हैगा तुसीं क्लियर वगैरह नहीं लिख सकोगे कोई गल नहीं लेकिन बेटे बड़े ध्यान नाल देख लो इट इज टाइम टू वी वन ऑब्जेक्ट इट इज टाइम दा इट इज टाइम आ जांदा है फोर आपके कोलो ऑब्जेक्ट चक के अगे टू बी आवला टू बी वी थ्री जिवें इट इज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग इट इज टाइम फॉर ए सॉन्ग टू बी संग ठीक है ना ओके जस्ट एक एक बेटे होर आप एग्जाम्पल कर लेने उस तो बाद आप नैगेटिव करा तो लैक्चर आप ओवर कर देंगे देखा जी बेटे इट इज टाइम टू वॉच ए मूवी बेटे बड़े ध्यान ना देखा जी इट इज टाइम टू वॉच ए मूवी असी की करा इट इज टाइम है ना बेटे इट इज टाइम जरा है उवे नीचे उतार लेंगे इट इज टाइम ओके फॉर आपके कोलो फॉर ऑब्जेक्ट की है बेटे ए मूवी फॉर ए मूवी ठीक है आ टू है ना बेटे असी कर देंगे टू बी ओके आ जी वी वन है एदी वी थ्री बना देंगे वॉचड ओके लो बच्चे आ बन जाएगा इट इज टाइम फॉर ए मूवी टू बी वॉचड ओके हुण बेटे आपां इहदे नैगेटिव वल चलांगे इहदा इंटरोगेटिव मैं तुहानूं दस्सिया कि इंटरोगेटिव नहीं हुंदा बेटे अगर किसी बच्चे नूं नहीं समझ आएगी या नोट नहीं किया गया तो बेटे रिवर्स कर करके देख लेंगे बैक करके ना लेक्चर नु स्टॉप करके देख लेंगे कि सर ने की लिखाया हुण आपां इहदा नेगेटिव करांगे नेगेटिव ठीक है ना नेगेटिव ऑफ इट इज टाइम वाले दा नेगेटिव देखिया जी
नैगेटिव सेंटेंस दे विच की होएगा, देखा जाए बेटे नैगेटिव सेंटेंस दे विच की आएगा बेटे इट इज टाइम, इट इज टाइम नॉट टू, नॉट टू, फिर क्यों होएगा बेटे इट इज टाइम नॉट टू वी वन एंड ऑब्जेक्ट, बस बेटे कुछ नहीं हैगा, जिथे टू आना सी ओदे नाल नॉट आ जाएगा बेटे, ठीक है ना। असि की करांगे, इट इज टाइम, सेम बिल्कुल सेम डिटो बेटे फॉर आवला ऑब्जेक्ट चक के अगे लिखना बेटे, ठीक है। अगे टू भी लाते सी, हुन नॉट टू बी, नॉट टू बी वी थ्री, लो जी इट इज टाइम, फॉर ऑब्जेक्ट नॉट टू बी वी थ्री। हुन देखा जी बेटे ध्यान नाल, आपा सेंटेंस आ गया बेटे इट इज टाइम नॉट टू, फ्लाई काइट्स, देखा जी नॉट टू फ्लाई काइट्स। हुन आपा की करना, इट इज टाइम, उतार लेना इट इज टाइम, फॉर काइट्स, देखो ऑब्जेक्ट काइट्स है बेटे, इट इज टाइम फॉर काइट्स। हुन बेटे नॉट टू बी, फ्लाई फ्लू फ्लोन, ओके बेटे। काफी बच्चों नु फार्मा नहीं आउंदियां बेटे, तुसी फार्मा बड़े ध्यान नाल याद करया करो बेटे, टीच टीचर टीचर कर दिंदे हो, बाय बायड बायड कर दिंदे हो, यह बेटे अच्छी गल नहीं हैगी बेटे। छेवीं तो लैके हुण तक असी फार्मा ही नहीं सीख सके, तां असी अगे की करांगे, ठीक है ना। बस ये फार्मा बेटे बड़े ध्यान नाल, हुण एक एक एग्जाम्पल होर नोट वाले की करदे आ, उस तों बाद आपां क्लास ओवर करांगे बेटे। देखिया जी ध्यान नाल, मान लो सेंटेंस आ गया इट इज टाइम, नॉट टू डिस्क्लोज द मैटर या सीक्रेट, ठीक है ना। इट इज टाइम नॉट टू डिस्कलोज द मैटर, गल दसन का ठीक समा नहीं है। असि की करांगे बेटे, इट इज टाइम उवें आ जाएगा बेटे, इट इज टाइम, ओके फॉर, बेटे द मैटर है ना ऑब्जेक्ट, फॉर द मैटर, नॉट, टू बी, डिस्क्लोज, ओके। ए सी बेटे, अगर किसी बच्चे नु भी कोई दिक्कत हुई तां तुसी मेरा आ वाला नंबर है बेटे 98150 4650, इस नंबर ते बेटे तुसी मेनू आपकी कोई भी क्वेरी आपकी पोस्ट कर सकते हो, मैं तुहानू दस दियांगा। अगर किसी बच्चे नू कोई डाउट रह जांदा है तां इस नंबर ते, अगर कोई बच्चा ग्रुप दे विच ऐड नहीं हैगा तां भी बेटे इस नंबर ते आके मैनू दस सकदा है कि सर मैनू, मैं ऐड नहीं हैगा, मैनू ऐड कर लो। इहदा इंटरोगेटिव नहीं हुंदा, हुण मैं तुहानू दोनों दे दोनों रूल बेटे इत्थे लिख दिंदा, देखिया जी बेटे की होएगा। सिंपल दे विच सिंपल जाएगा इट इज टाइम, टू वी वन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। असि की करांगे बनाने लगे, करांगे इट इज टाइम, ओके फॉर आपके को लावांगे बेटे, फिर ऑब्जेक्ट लावांगे, फिर टू बी लगा देंगे बेटे, फिर वी थ्री लगा देंगे, ओके। पहला रूल ए सी पहला, हुण इहदी एग्जाम्पल करिए बेटे, इहदी एग्जाम्पल सी बेटे इट इज टाइम, टू राइट ए लैटर, मान लो ये बेटे एक एग्जाम्पल आप कर लेने, इट इज टाइम टू राइट लैटर। असि की करांगे बेटे, बनाने लगे बेटे इट इज टाइम उमें ला लेंगे, इट इज टाइम उमें उमें उतार लें बेटे, इट इज टाइम फॉर, आ की ऑब्जेक्ट ए लैटर, टू बी, रिटर्न, ओके रिटर्न, ओके। नेहा सी बच्ची बेटे लुधियाना तो, जिन्होंने मैं एक ए वाला भेजा सी सेंटेंस, ठीक है। हुण बेटे ए तुसी दोबारा नोट कर लेना, हुण इहदा सैकंड रूल बेटे जिहड़ा अज कीता सी, सैकंड रूल की कीता है नॉट वाला, इट इज टाइम, नॉट टू, वी वन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हुण असी जदों इहदा बनाना है ना बेटे, तां की करना है इट इज टाइम उवें दोवें ला लेना बेटे, इट इज टाइम फॉर ऑब्जेक्ट बेटे अगे ला लेना है, ठीक है। अगे टू भी लांदे सी, हुण नॉट टू बी, फिर बेटे वी थ्री,
पा देना, ठीक है ना। एवं एग्जाम्पल बेटे आप थोड़ा जा नीचे कर लेने, देखा जे मान लो सेंटेंस आ गया इट इज टाइम नॉट टू क्लोज द शॉप्स। मान लो सेंटेंस आ गया इट इज टाइम नॉट टू क्लोज द शॉप्स, तो असि की करांगे बेटे इट इज टाइम उम्मीद उम्मीद कर लांगे। देखा जे इट इज टाइम फॉर की बेटे द शॉप्स इट इज टाइम फॉर द शॉप्स। अगे टू भी लाने सी हुण बेटे नॉट टू बी ते लास्ट बेटे वीक थ्री की है क्लोज्ड। ओके ए सी बेटे अज दा जिहड़ा लैक्चर सी ए तुहानू दसना बेटे टाइम कढ़ना जरूरी सी उहदा की है बेटे, क्योंकि असी अगे दी अगे टॉपिक करी जा रहे हैं कि आह वाला टॉपिक रह गया सी। थैंक यू नेहा कि तुसी मैनू रिमाइंड करवाया कि ये वाला टॉपिक सर अपना रह गया है, ता उहदे करके नेहा करके अज आपां वाला टॉपिक कर पाए हां। वॉइसिस दा टॉपिक है बच्चे अपने, वैसे तां कंटीन्यूअसली नरेशन चल रहे ने, ਇਹ ਵੌਇਸਿਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਜੇਕਰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਬੇਟੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਟੂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਵਨ ਆਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ ਫੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਟੂ ਬੀ ਵੀ ਥ੍ਰੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਆਏਗਾ ਟੂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਵਨ ਆਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਾਂਗੇ ਫੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ ਇਹਦੇ ਚ ਟੂ ਬੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨੋਟ ਟੂ ਬੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੇਟੇ। ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਾਈ ਰਣਜੀਤ ਮੋਂਗਾ ਬੇਟੇ, ਆਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ ਲਿਆ ਜੇ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਣਜੀਤ ਮੋਂਗਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਟੇ 9815046050 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਡਡ ਇਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ 5 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 2, 3, 4 and 5। ਓਕੇ 5 ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 'ਚ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਸੇਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ 2-2, 3-3 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ 6ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। 5 ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੈ, 5 ਦੇ 5 ਗਰੁੱਪ ਫੁੱਲ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਟੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬੇਟੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪ ਵੀ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਥ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਟਿਲ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਹੋਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਬੇਟੇ, ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣੇ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।